सुषमा स्वराज का निधन हो गया, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं राजनीति? देखिए, सुषमा जी से मेरा बहुत पुराना संबंध था और जब मैं छात्र राजनीति में था, मुझे याद है कि छात्र राजनीति में चंडीगढ़ के बुढ़ैल जेल में हम लोग सब गिरफ्तार थे। वहाँ के नेता उस समय जनता पार्टी के हरमोहन धवन थे और उस समय अम्बाला से विधायक थी। उस समय के संबोधन से लेकर के आगे बहुत लंबे तौर तक पार्टी में काम करने का उनके साथ मौका मिला। फिर वाजपेयी जी की सरकार में उनके साथ मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और फिर मोदी जी की सरकार में। एक बड़ा नुकसान है, वो गार्जियन भी थी और एक ना की तरह थी, समय समय पर उनका मार्ग निर्देशन मिलता रहता था। आकस्मिक निधन बड़ा गहरा चोट और दुख है और आज उनके शव पर जब मैं अपना आस्था व्यक्त करने गया, उनका नमस्कार करने गया, तो उनकी बेटी से भी मुलाकात हुई। बांसुरी उनकी बेटी है जो वकालत करती है, स्वराज कौशल उनके पति भी वहीं थे। बहुत दुखद घटना है, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, राजनीति में उनका एक स्थान था, उनका जाना एक बहुत बड़ा दुखद संवाद। जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और इस देश की पहला दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में और आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में उनका जो योगदान रहा जा करके है और इनके निधन से हम सब काफ़ी दुखी हैं और उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है जा करके और इनके निधन पर हम गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। और इनका अलग व्यक्तित्व था जाकर, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में संगठन को मजबूती प्रदान करने में इनका अहम योगदान था, तो दूसरी तरफ सरकार में जब जब रही जाकर के वो यहां से लेकर देश के अलावे भी विदेश मंत्री रहे, ऐसे कई मसले आए जाकर के। और भारत के लोग दूसरे देशों में रहते हैं जाकर काफ़ी संख्या में, कई समस्याओं के सामने आई, त्वरित समाधान इन्होंने करने का काम किया था। और मुझे याद है कि आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार, पहला जो एम्स पटना का जो आया है हमको याद आ रहा है, एम्स समय भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में थी जाकर के, और उस समय ही एम्स का अनाउंसमेंट अपने स्वर्गीय वाजपेयी जी ने किया था जाकर के, जो बनकर तैयार हो गया है। और उनका देश हित लोक कल्याण के क्षेत्र में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं जाकर के, इसे देश हमेशा याद रखेगा। अचानक उनके निधन की खबर मिलने से हम सब काफ़ी दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश को भी अपनी क्षति हुई जाकर के है। और बिहार से उनका काफ़ी लगाव था जाकर के, और चुनाव का वक्त हो या मान लें संगठन का काम हो या सरकारी काम से हमेशा बिहार में आना जाना रहता था करके, और वजस्वी वक्ता भी थी जाकर। जब भाषण देती थी तो लगता था उनका जीव भर लगता था माँ सरस्वती विराजमान जाकर, और भाषण का फ्लो होता था रुकता ही नहीं था जाकर, और जो श्रोता होते थे वो मतलब समझिए कि बन जाते थे उनसे जाकर। और मेरे क्षेत्र में भी अनेकों बार चुनाव के मौके पर गई जाकर, बिहार से लगातार उनका बेहतर संबंध रहा जाकर के। और जो एम्स बिहार में खुला है मुझे याद आ रहा है कि उनके ही कार्यकाल में, मतलब स्वर्गीय वाजपेयी जी कार्यकाल में वो जो घोषणा हुआ था उस समय केंद्र में मंत्री थी जाकर के, तो हम सब काफ़ी दुखी हैं और उनका जो योगदान रहा है देश के विकास में वो हमेशा याद किया जाता है। देखिए, इस क्षति को नापने का कोई पैमाना नहीं, कोई अंतर नहीं है। सुषमा स्वराज जी एक देश के एक महान नेता के रूप में थी और उन्हें मैं एक लौह महिला के रूप में भी मैं कह सकता हूँ। राजनीति में जब से उनका पदार्पण हुआ तब से लेकर और कल यानी 6 अगस्त तक 2019 तक लगातार उन्होंने एक से एक सीढ़ियाँ पार की और सब पर अपने को और अपने साथ देश के भलाई और देश के कार्य के लिए काम करने का काम किया। मैं सुषमा स्वराज के इस निधन पर मैं गहरा दुख व्यक्त कर रहा हूं। और जहां तक क्षति की बात आप कर रहे हैं,
यानी कि अपूर्णीय क्षति है। एक राजनीतिक जो बड़ी एक गैप और खाई मैंने हुई है, उस खाई को तुरंत भर पाना मुमकिन नहीं है। हमें उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और इसका दुख है पूरे देश को है, देश के एक एक लोगों को है। पक्ष विपक्ष का मेर नहीं है, पक्ष विपक्ष का भी मेर ख़त्म हो गया है, और इस स्थिति में सुषमा स्वराज के लिए देश के करोड़ों लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके आत्मा की शांति हो। उनके लिए कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई पार्टी, सबसे ऊपर उठ करके राजनीति में अपनी एक अलग पहचान सुषमा जी ने बनाई थी, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, और ईश्वर उनके आत्मा को शांति भी दे। और इस देश से जिस तरीका समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, उसको बढ़ने में उनका आशीर्वाद स्वर्ग से भी रहे, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सर, एक अगला सवाल ये।